प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम छठी क्लास के सामाजिक विज्ञान यानी सामाजिक अध्ययन के आकलन कार्य पत्रक संख्या 3 को हम पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। आपकी यह वर्कशीट 13 सितंबर के लिए। वीडियो शुरू वर्कशीट शुरू करने से पहले अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना ना भूलें। पूरी वर्कशीट में आपके सामने 10 प्रश्न हैं। देखिए, हर प्रश्न के सामने 4 विकल्प हैं और जो विकल्प सही होगा, मान लीजिए कि आपके टक खाद जो 10वां प्रश्न है, इसका विकल्प अगर चौथा सही है, इस गोले को आपको सही करना रहेगा। तो जो विकल्प सही है उसके सामने के गोले को आपको काला करना है और फिर वर्कशीट को अपने कक्षा अध्यापक के साथ शेयर कर देना है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक की सही दूरी बताता है? 90 डिग्री। आप देखते हैं तो ऐसी होती है, ये 0 डिग्री होता है और ये 90 डिग्री होता है। ये जो दूरी होती है ये 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री। तो 90 डिग्री आपका जो पहला क्वेश्चन है ए, उसके सामने के गोले को आप काल करते हैं। शीत कटिबंधक कहा जाता है, कहाँ है? शीत कटिबंध जो होता है वो ध्रुवों पर है। आप देखेंगे यह उष्ण होता है, यहाँ उपोष्ण होता है और ये शीत जो ध्रुवों पे होता है ये शीत कटिबंध होता है दोनों तरफ। तो दूसरे का भी उत्तर क्या हो गया? ए पहला। तीसरा, दक्षिणी ध्रुव किस गोलार्ध में? अब देखिए, जो विषुवत रेखा 0 डिग्री काटती है तो इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, इसके दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। ये हिस्सा जो होता है ये दक्षिणी ध्रुव कहलाता है और ये दक्षिणी गोलार्ध में होता है। आपका दूसरा जो है, दूसरा ऑप्शन है वो सही होगा तीसरे प्रश्न का। तो तीसरे प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही होगा। चौथे पे चलते हैं, मकर रेखा की स्थिति क्या है? अब देखिए, ये पृथ्वी है, पृथ्वी ऐसे है, ये ऊपर तर्क रेखा, ये मकर रेखा होती है 23 सही 1/2। तो 23 सही 1/2 डिग्री ये कहाँ पे है? दक्षिण में। दक्षिण में मकर रेखा होती है और उत्तर में कर्क रेखा होती है। तो चौथे प्रश्न का भी आपका दूसरा उत्तर सही है। पाँचवें पे आते हैं, निम्नलिखित से कौन सा पृथ्वी का सही प्रतिरूप? ग्लोब, ए सही है। ग्लोब जो है पृथ्वी का सही प्रतिरूप होता है। छठा प्रश्न है, विषुवत वृत्त से ध्रुव तक सभी समानांतर वृत्तों को क्या कहा जाता है? अक्षांश कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो ऐसे पृथ्वी है तो जो ये वृत्त होते हैं ये समानांतर होते हैं अक्षांश, और जो देशांतर होते हैं, देशांतर जो है समानांतर नहीं होते, ध्रुवों की तरफ जाते जाते मिल जाते हैं। तो इसी प्रकार छठे का आपका उत्तर होगा ए, ए का उत्तर एक सही होगा। छात्रों, इसमें सही जो भी जब पढ़ाया गया है, जो प्रश्न आए हैं वो आपको पहले ही वर्कशीट में पढ़ाया जा चुका है, इतिहास हो या आपका भूगोल का जो सेक्शन हो। तो हमने, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे छठी क्लास की जो SST GEO वर्कशीट छठी क्लास के एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे हमने SST की वर्कशीट डाली हुई है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। सातवें पे आते हैं, खाद्य संग्राहक लोगों का औजार किस धातु के बने थे? पत्थर, लकड़ी, हड्डी, सभी के। तो आपके चौथा का उत्तर सही होगा। आठवां है, आज से 20 लाख पहले जो लोग इस उपमहाद्वीप में रहा करते थे उन्होंने भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर किस नाम से जानने जाते हैं? आकेटक और संग्राहक। तीसरा सही है, इसको गोला करेंगे। नवा प्रश्न है, आकेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते थे? एक स्थान पर उपलब्ध सभी संसाधनों के समाप्त होने पर जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे, मौसमी फल एवं पौधों, उपरोक्त सभी। आपका ए सही होगा। ये क्या करते थे, क्यों घूमते थे? क्योंकि एक स्थान से जब सभी संसाधन इनके समाप्त हो जाते थे तब वे दूसरे स्थानों पे जाके वहाँ पे आकेट और खाद्य संग्रहण करते थे, वो स्थान को छोड़ देते थे। और दसवां प्रश्न है, आखेटक खाद्य संग्राहक आपका इस्तेमाल किस लिए करते थे? प्रकाश के लिए, जाए सही भी बात है, आग भुनने के लिए भी, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। तो आपके चौथा जो उत्तर है
सही है, डी, चार, तीनों विकल्प सही है। तो छात्रों आपने देखा हमने आपकी छठी क्लास के सभी जो दसवें प्रश्न थे उनको सॉल्व किया, बहुत ही आसान थे, इन्हें आप खुद भी कर सकते हैं। करिए, अपने विषय अध्यापक या अपने कक्षा अध्यापक के साथ शेयर करें ताकि आपका सही से मूल्यांकन हो सके। नाम और कक्षा अध्यापक का नाम लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।